Hello guys and welcome back to my channel. So let's review the lip balms I own. I think almost all are in the affordable category. The first one which I have is from the brand Plum. This one actually works very well on chapped lips and also gives very good pigment. इसका मुझे बस mostly एक ही issue लगता है कि ये ना ऐसे tub form में आता है, tube form में आना चाहिए ना, क्योंकि इसमें हमको बार बार ऐसे finger में लगा के फिर ऐसे लगाना होता है, which I feel it is little kind of boring and you know unhygienic, so I just feel it is good as a tube form mein dena chahiye tha, and I think it is in the cocoa flavor. Ye aur bhi kuch flavors mein aata hai. Nextly we have this Himalaya ka lip balm, which is so affordable. I only got it for ₹35-40 and oh my god, it is actually good. एक्चुअली इसको मैं अपने ऑफिस के बैग में ही रखती हूँ, क्योंकि इसमें ना ज्यादा टेंट नहीं है, एकदम ये ट्रांसपेरेंट है, हल्का सा ज्यादा ऑयली है, बट इट वर्क्स फॉर मी. Then I have this lip balm which is from the brand Blue Heaven, I think. And oh my god, this was my most regretful purchase. I don't know, it does not work at all. It makes my lips more chapped. बीच में काफी वायरल हो रखा था ये, but it is of no use. The only good thing about it is कि इसका ना ये अप्लाई करना काफी ईजी है इसको लगाना, बट इट्स ना मेरे लिप्स को और ज्यादा चैप्ड कर दिया था, सो इट इज अ बिग नो नो फॉर मी. लास्टली आई हैव एफ डी गर्ल्स फेवरेट बेबी लिप्स लिप बाम, विच इज इन द वाटरमेलन फ्लेवर, एंड ये भी ट्रांसपेरेंट ही है. इसको तो मैंने पूरा खत्म ही कर दिया है यूज करके. जो इसकी सबसे अच्छी चीज लगती है ना मुझे, कि ये काफी लॉन्ग लास्टिंग है, काफी आर्स तक आपके लिप्स को मॉइस्चराइज रखता है. एंड आई गॉट इट फ्रॉम नायका, एंड ये दो के कॉम्बो में आया था. इसके साथ एक पिंक वाला भी आया था जिसका टिंट काफी ज्यादा था, एंड आई थिंक आई हैव लॉस्ट इट. यू कैन डेफिनेटली गिव अ ट्राई टू द प्लम और द बेबी लिप्स लिप बाम. दैट्स इट. सी यू नेक्स्ट वन.